Hey, welcome. I am Niyamat Ali Mondol, Sense Machine Operator and Designer. तो पार्ट थ्री पे आज को बताएंगे. पार्ट थ्री में आपको आज बताएंगे ये जो भी से बैंगल है इसका खाली एक पार्ट करेंगे, आपको बताएंगे. जितना भी सीखने वाला है मेरा पास अभी 50% जिसको CNC का कुछ नहीं आता है तो उन लोगों को ये देख के पता चलेगा ये इसको कैसे करते हैं. बहुत आसान है, जिसके पास CNC मशीन है तो उनको तो ये बहुत आसान होगा, लेकिन जिसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं है उसका लिए ये वीडियो है. तो ये भी शेप का नहीं होगा, ये समझ लो ये एक पार्ट का बताएंगे, ठीक है. और भी शेप को कैसे करते हैं, हाफ राउंड कैसे करते हैं उसको बाद में बताएंगे. तो पहले आपको क्या करना है, ये जो बिंदी है, पहले तो ये जो बिंदी है ये जो आपके पास कोल्डरो है इसमें तो नहीं आप बना सकते हो, क्योंकि बिंदी बनाने के लिए जिसके पास CNC मशीन है तो CNC मशीन जितना भी कंपनी है उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है. तो कोई भी लाइन को वो बिंदी में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास सॉफ्टवेयर रहता है. तो अभी आपको क्या करना है, मेरे पास पहले से है इसके लिए, आपको दिखाएंगे, इसको भी आपको बाद में दे देंगे आपके पास अगर वो सेटिंग नहीं है तो. तो आपको पहले देखना है ये जो भाग है ये टोटल बैंगल का चौड़ाई लंबाई कितना है और ये कितना भाग पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना भाग पे बना है. ये तीन भाग में है, आपको देखने देख के पता चलेगा कोई भी बैंगल को तो ये कितना भाग पे है. तो ये तीन भागों पे है. अभी आपको क्या करना है, और इसका विड्थ, अगर आपको ये जो बिंदी है ये 1 mm का बिंदी है तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 mm हो चुका है. और साइड में ये जो मिरर देख रहा है ना, इसका बीच में जो मिरर है वो इस साइड में भी मिरर होना चाहिए. तो उसका लिए 1, 1, 2, यानी 7 mm या 6 mm टोटल इसका है, ठीक है. मान लीजिए 7 mm है. तो आपको पहले क्या करना है, कोई भी को आपको बॉक्स लेना है, बॉक्स लेने के लिए आपको यहाँ पे आना है, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको राइट और नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचिए, ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा. फिर छोड़ दीजिए माउस को, माउस का क्लिक कर छोड़ दीजिए. फिर आपको पिक टूल लेना है, पिक टूल लेने के बाद ये लॉक है का अनलॉक है, आप ये लॉक है तो आपको अनलॉक करना है, ठीक है. अनलॉक करने के बाद आपको विथ कितना बोला, 7, चौड़ाई पर 7, लेंथ यानी लंबाई कितना होगा 200, जो नॉर्मल होता है 100, 80 होता है और भी बहुत सारा होता है, लेकिन 200 नॉर्मल है. तो उसके हिसाब से आप चलेंगे. फिर एंटर या माउस को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको बन जाएगा बॉक्स. ये देखिए 207, इसको बनाने के बाद भी आपको देखना है इधर कितना आया है, ठीक है. अगर मान लीजिए ये लॉक है, ठीक है, तो आप देखो ये लॉक रहेगा तो क्या होगा, ठीक है. फिर भी बैक पे आता है, बैक पे आने के बाद अगर मान लीजिए लॉक है, ठीक है, आपने कितना करना है 7 किया, ठीक है, इधर 200 किया, फिर एंटर दबाओ, इसको देखो कितना हो चुका है, देखो से दोनों तरफ आपको इसको कमाना घटना है. तो ये लॉक को हमेशा अनलॉक रखना है, ठीक है. तो इसको अनलॉक कर दीजिए, फिर से 7, लेंथ को 200, ये बड़ा बड़े अभी देखिए ये परफेक्ट है, ठीक है. तो इसके लिए अनलॉक मैं इसको आपके लिए दिखाया, लॉक करने से क्या बुराई है तो आपको पता चलेगा कभी भी. तो इसके लिए वो छोटा छोटा चीज़ ये आपको देखना जरूरी है, जितना भी नया सीखने वाला है आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये सब छोटा छोटा चीज़ें देखना जरूरी है. और ये जो यूट्यूब पे जितना भी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, ये आसान है सब. तो जो मेरा ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म होगा उसमें जो वीडियो अपलोड करेंगे वो थोड़ा बिगिनर होगा, तो अब आपको YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये जैसे आपने देखा तीन भाग पे करना है, तो इसको फिलहाल कॉपी करना है, आपको पता है कॉपी के लिए माउस हो चुका है, ठीक है. अभी आपको क्या करना है, ये जैसे 1 mm का है, ठीक है, 1 mm का बिंदी है, आपको कितना देना है, 5 बिंदी है, ठीक है. तो 1 mm एक बिंदी और दूसरा बिंदी के बीच में हमेशा 0.1 का गैप रखना है, जरूरी है ये. तो एक आपको क्या कहा था, एक और दूसरे को डिस्टेंस का लिए, ठीक, कीबोर्ड का जो आपका इरर बटन है उसमें क्लिक करोगे तो आपको 1 mm इधर जितना लिखोगे, इधर जितना लिखोगे आप
तो उतना डिस्टेंस पे जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, ये 1 mm है और बीच का आपको वो 0.1 का गैप रखना है। तो उसके लिए आपको इधर 1.1 लिखना है, फिर एंटर दबा दो, हो चुका है। अभी इसको देखो, इसको कॉपी कर दो। आपको पता है माउस का जो कीबोर्ड का जो प्लस बटन है उसको एक बार प्रेस कीजिए, फिर इरोड का जो लेफ्ट या राइट आपको जिस तरफ लेना है ले लीजिए, एक बार दबाओ, फिर से कॉपी कीजिए, फिर से एक बार दबाओ इरोड जो बटन है, फिर से कॉपी कीजिए, फिर से दबाओ। आपको अभी क्या करना है, ये 5 हो चुके हैं और ये 5 आपको इधर लाना है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा 5 को कॉपी करने के बाद आपको 90 डिग्री पे घुमाना है। आप क्या करोगे, कीबोर्ड का जो प्लस बटन है उसको एक बार प्रेस कीजिए, फिर इधर डिग्री के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था इसके लिए डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, इधर 90 लिख दीजिए, घूम गया। अभी इसको जो नोट है ये हमेशा याद रखना है, आपको जूम करके देखना भी है कहाँ इसका नोट है, नोट पॉइंट, नोट से लेके ये नोट पे आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये सर्कल बराबर आएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी देखिए इधर 3 है, ठीक है, सिंपल सा ये 3 को क्लिक कीजिए। 3 को क्लिक करने के बाद इसको लाइए, नोट पे छोड़ दीजिए, राइट क्लिक कीजिए तो कॉपी हो जाएगा। ये माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इधर लाया, फिर माउस का राइट क्लिक को क्लिक कीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा। 3 बिंदी देखिए हो चुका है, इधर एक ज़्यादा है, पहले से था अभी 3 दे दिया तो डबल है, इसको हटा दीजिए। फिर आपको यहाँ से 3 देना है, देखिए फिर 3 हुआ, इधर भी 3 है, तो यहाँ से 3 बिंदी का कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इधर ले लो, फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। इधर जो नोट है, इधर नोट पे आके माउस का राइट क्लिक कीजिए, हो चुका है। फिर इधर एक बिंदी ज़्यादा है, पहले से एक था, फिर से आपको इधर भी 3 देना है, फिर नोट पे छोड़िए, इधर एक ज़्यादा है, इसको डिलीट कर दीजिए, नोट से मिलाकर नोट से लगा दीजिए। अभी आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके रख दीजिए, बाद में ये आएगा काम। अभी इसको अलग रखा था, अभी इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, नोट से मिला दीजिए, एक को हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अभी ये सबको कंबाइन कर दो चलेगा, ठीक है, एक इकट्ठा हो जाएगा सब, पूरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये भाग हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, इसका अंदर देखिए ये पूरा मिरर है, ठीक है, ये फ्लैट टूल का काम है। इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, इधर आपको छोड़ देना है। मिड पॉइंट छोड़ने के बाद आपको फिर इसको थोड़ा सा ऊपर लाना है, इधर 0.1 कर दीजिए, इसको क्लिक कीजिए, इसको अंदर बिठाना है। पॉइंट जो लाइन है, एक लाइन ले लीजिए, इसको नोट से, इसका जो नोट आएगा छोड़ दीजिए। पिक टूल ले लो, फ्लैट टूल कितने एमएम देना है, 1 mm, 1 mm दे दो। इसको थोड़ा सा करीब लाइए, सही है। अभी इसको कॉपी करने के बाद इधर भी दे दीजिए, नोट पे छोड़ने के बाद फिर से इसको इधर लाना है।
अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो मिरर है वो टूल आपको देना है, एक ग्रीन लाइन का कॉपी कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, इधर जितना भी इधर गैप है इसको अंदर मिरर भरना है। तो ये लाइन को कॉपी करके आपको यहाँ से भरना है। शेप टूल ले लीजिए, आपको कहाँ तक रखना है, आपको बस यहाँ तक ही रखना है। इधर डबल क्लिक कीजिए, फिर इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये वहाँ तक कट जाएगा, कट चुका है, काटना है। डबल क्लिक कीजिए, इसको इधर क्लिक कीजिए, कट जाएगा, सही है। अभी इसको क्लिक कीजिए, ये हमेशा जैसे 1 mm है, आपको इसको 0.9 को इधर डिस्टेंस रख के कॉपी करना है कोई भी मिरर के लिए। जैसे आपको 1.5 mm का मिरर टूल होगा तो उस टाइम आपको 1.4 उसका डिस्टेंस रखना है। तो इधर जैसे मैंने 1 mm का टूल है, इधर डिस्टेंस 0.9 का रखा, यानी हमेशा 1 point कम रखना है ताकि जब ये फ्लैट टूल चलेगा तो आपको छूट नहीं जाएगा कोई भी। फिर से इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी करने के बाद सेम प्रोसेस कॉपी करो, सेम प्रोसेस इरर का बटन दबाओ लेफ्ट राइट का, कॉपी करो, ठीक है, हो चुका है। इधर जितना भी ग्रीन टूल है यहाँ से आके इसको कॉम्बाइन कर लो, आपको आगे बताएंगे। तो इसको इधर से कैसे काम करते हैं, ये बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। आपको जो YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगा इसके लिए, वो अलग से आपको बताएंगे, ठीक है, वो 8-10 वीडियो के बाद आपको बताएंगे यहाँ से कैसे काम करते हैं और भी बहुत कुछ। तो वो वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, वो आपको मेरा जो ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है उसका अंदर आपको मिल जाएगा। 6.667 आपको इधर डिस्टेंस पे डालना है, 66.667, एंटर मार दो, एंटर दबा, जो बॉक्स लिया था बॉक्स को डिलीट कर दो। अभी इसको पूरा क्लिक कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद क्लिक करो, क्लिक करने के बाद प्लस का बटन दबाओ, फिर से कॉपी कीजिए। देखिए आपका डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है, एक पार्ट का है। फिर इसको कब चलाना ज़रूरी है, कैसे चलाते हैं, आपको बाद में बताएंगे। किसको आगे रखना है, कौन सा टूल आगे होता है, कौन सा टूल पीछे होता है, ये यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, उसका लिए जो ऑनलाइन का मेरा कोर्स होगा उसका अंदर आपको सब बताएंगे। और भी बहुत सारा इसमें, तो सब बाद में आपको सब बताएंगे, ठीक है। आज पार्ट 3 में यही था, सिंपल सा डिज़ाइन। जितना भी नया सीखने वाला है उन लोगों के लिए ये था, क्योंकि उन लोगों का CNC के बारे में थोड़ा भी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। और एक डिमांड था, कंट्रोल जो ये गोल सर्कल है इसको कैसे लेता है। तो गोल सर्कल के लिए 2-3 बंदे ने मुझे SMS किया था, ये नहीं हो रहा है इसके लिए, तो अभी इसमें बता देंगे आपको इस वीडियो में। कीबोर्ड का जो कंट्रोल है उसको प्रेस कीजिए, फिर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके थोड़ा सा नीचे और राइट या लेफ्ट का तरफ खींचिए, ठीक है, तो ये आपको गोल सर्कल बराबर आएगा, ठीक है। फिर माउस का जो क्लिक है वो और कंट्रोल को छोड़ दीजिए, ये देखो गोल बन चुका है, देखो। और आपको कैसे पता चलेगा ये पूरा गोल है, इधर देखिए 9.154, नीचे देखो विथ और लेंथ। तो सर्कल का हमेशा ये 360 डिग्री एक ही रहता है, ठीक है, तो ये देखिए विथ और लेंथ जो भी है इसका, ये आपको बराबर मिलेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा ये पूरा गोल है। अगर ये बॉक्स है, बॉक्स का सेम ही है, अगर आप कंट्रोल जो है बटन उसको प्रेस करके रखिए, सेम माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसका भी प्रेस करके थोड़ा खींचना है, ये चारों तरफ बराबर आएगा। कंट्रोल का काम ही है, मतलब कंट्रोल जो है ये चारों तरफ बराबर और असली शेप देता है। और एक सवाल था, अगर काटना है पहले ऐसे क्लिक करो,
अगर ये बॉक्स को आपको छेड़ना है या काटना है, पहले माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करो और थोड़ा राइट और नीचे की तरफ खींचने का खींचिए, फिर ऐसे पॉइंट बन जाएगा। फिर देखिए ब्रेक है, ये ब्रेक कर्व, तो ब्रेक करना है, ब्रेक हो चुका है। इधर भी सेम कीजिए, ठीक है, ये हो चुका है। अभी इधर एक पॉइंट रख दीजिए, इधर कट जाएगा, देखा। अगर इसको ब्रेक नहीं करोगे, अगर इसको ब्रेक नहीं करोगे तो आपको ये नहीं काटेगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए आपको जहाँ से काटना है पहले एक लाइन को आपको ब्रेक जरूरी है, जैसे आपको ये मिडिल को काटना है, ठीक है। इधर डबल क्लिक कीजिए, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको भी ब्रेक कर दीजिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, फिर इसको भी ब्रेक कीजिए, क्या इधर भी आप पॉइंट कर सकते हो, देखा कट गया। आपको चाहिए यहाँ काटना, इधर भी डबल क्लिक कीजिए, पहले आपको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो सेफ टूल का लिए सवाल था किसी का तो, और ये सर्कल के लिए भी था, आज देखा दिया। ठीक है, आज इतना ही था, अगले 4 पार्ट में और भी बताएंगे। तब तक आप अच्छे रहो, खुश रहो।